स्वागत है आपका मेरे चैनल पिंकी ऑन कुकिंग लाइफ में। आज हम बना रहे हैं बहुत ज्यादा टेस्टी करेले की सब्जी। इसे बनाना बहुत ज्यादा आसान है और आप इस तरीके से एक बार जरूर बनाना बिना कड़वाट के। ये बहुत ज्यादा टेस्टी बनती है सब्जी और इसे बनाना भी बहुत ज्यादा आसान है। सिर्फ 7 से 8 मिनट में ये बन के तैयार हो जाती है, तो आप इसे एक बार जरूर ट्राई करना। और अगर आपको मेरी आज की वीडियो अगर पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलो इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 500 ग्राम करेला लिया था। इसका मैंने ऊपर से छिलका उतार लिया और इसको बीच से काट के इसमें आधा चम्मच नमक डाल करके इसको अच्छे से मिक्स करके 10 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ दिया। उसके बाद इसे अच्छे से वॉश कर लिया है मैंने। अब इसे बनाने के लिए यहाँ पे मैंने गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी है और अब हम इसमें डाल देंगे 2 चम्मच तेल। यहाँ पे मैंने सरसों का तेल लिया है। तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। ये तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है तो यहाँ पे मैंने छोटे वाले प्याज से एक से दो प्याज इसमें डाल दिए हैं ताकि तेल का पता चल जाए अच्छे से तेल गर्म हो गया है हमारा। इसमें बाकी के प्याज डाल देंगे। यहाँ पे मैंने 5 बड़े साइज के प्याज काट लिए हैं तो ये डाल दिया है इसमें और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसी के साथ में हम डाल देंगे इसमें करेला जिसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। नमक का सारा पानी जो है इसे बाहर निकाल दिया है। पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम प्याज और करेला को साथ में अच्छे से पका लेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने 3 मिनट तक इसे अच्छे से पका लिया है और प्याज का हल्का सा कलर चेंज होने लग गया है। तो यहाँ पर मैंने इसे 2 मिनट तक और पका लिया है और अब इसमें मैंने डाल दिया है 1/2 चम्मच नमक। नमक आप आपके हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। इसी के साथ में इसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1 चम्मच यहाँ पर मैंने धनिया पाउडर डाल दिया है इसमें और लगातार सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते रहना है। 1 बड़ा चम्मच यहाँ पर मैंने लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है इसमें। सारे मसाले को अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने और अब मसाले के साथ में इसे अच्छे से पका लेंगे हम। पहले मैंने इसको 5 मिनट पकाया था, अभी हमें इसे और पकाना है मसाले के साथ में। गैस को यहाँ पर मैंने मीडियम रखा है, हाई नहीं रखना है गैस को। तो यहाँ पे मैंने इसे 2 मिनट तक और पका लिया है। कुल मैंने इसे 7 मिनट तक पका लिया है। मसाला डालने के बाद में मैंने इसे 2 मिनट और पकाया है और आप देख सकते हो हमारे जो करेला है ये काफ़ी सॉफ्ट हो गए हैं। तो ये हमारे करेला की मज़ेदार सी सब्जी बन गई है। अब इसमें मैंने डाल दिया है कटा हुआ हरा धनिया। इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारे बहुत ज़्यादा टेस्टी करेले की सब्जी बनके बिल्कुल तैयार है। खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है ये और बिना किसी झंझट के जल्दी से बन जाती है। सिर्फ 7 से 8 मिनट में ये बनके तैयार हो जाती है। तो आप इसे एक बार जरूर ट्राई करना, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है ये। और अगर आपको मेरी आज की वीडियो अगर पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।